हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। आज इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि हम पूरे एंटरप्राइज को जॉब्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। फंक्शनल में फंक्शंस के अकॉर्डिंग पूरे एंटरप्राइज को डिवाइड करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम पूरे एंटरप्राइज को डिवाइड करते हैं, किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है। इट रेफर टू द डिविजन ऑफ द होल एंटरप्राइज। क्या रेफर करता है ये? हमने पूरी एंटरप्राइज को डिवाइड करना है किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। अकॉर्डिंग टू द किसके अकॉर्डिंग? मेजर प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमने पूरी एंटरप्राइज को डिवाइड करना है। जो भी हमारी एंटरप्राइज जिस भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, उनके अकॉर्डिंग हम अपनी एंटरप्राइज को डिवाइड करेंगे। अगर हमारी एंटरप्राइज एक से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार कर रही है, तो हम अपनी एंटरप्राइज को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उनमें डिविजन्स बनाए जाते हैं, उनके डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शो किया हुआ है डिविजनल स्ट्रक्चर को, कि हमारी कंपनी दो तरह के प्रोडक्ट बना रही है, मेटल प्रोडक्ट भी बना रही है और प्लास्टिक प्रोडक्ट भी बना रही है। अब इसको हमने दो डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है। एक तरफ मेटल के सारे वर्क होंगे, मेटल से रिलेटेड जितना भी उसके परचेज है, सेल्स है, प्रोडक्शन है, जितना भी वर्क रहेगा वो इस डिविजन में रहेगा। और प्लास्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी वर्क रहेगा, चाहे उसकी प्रोडक्शन है, परचेज है, सेल्स है, फाइनेंस है, वो सारा एक डिविजन में रहेगा। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब हमारी कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही होती है, तो हम उसमें प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग डिविजन्स बनाते हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बना लेते हैं। मेटल प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी वर्क रहेगा वो इस डिवीजन में, प्लास्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी वर्क रहेगा वो इस डिवीजन में, चाहे फिर वो परचेज है, सेल्स है, जितना भी वर्क है वो सारा इस डिवीजन में रहेगा। जितना भी प्लास्टिक से रिलेटेड वर्क है प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीजन में, जितना भी मेटल से रिलेटेड वर्क है वो मेटल प्रोडक्ट डिवीजन में। तो ये देखते हैं कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स, कि जो भी डिविजन हमने बनाए हुए हैं, जो भी इनका हेड रहेगा उसका डेवलपमेंट होता है। कैसे? क्योंकि ऑल ओवर एक्टिविटी सभी एक पर्सन के ही हाथों में होती है, एक पर्सन ही सब कुछ हैंडल करता है। जितनी भी अंदर एक्टिविटी चल रही है, चाहे परचेज है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, फाइनेंस है, जितनी भी अंदर एक्टिविटी चल रही है वो सारी एक ही पर्सन देखता है। ठीक है, तो इसे डिविजनल हेड्स का डेवलपमेंट होता है। सेकेंड वन इज डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड। जो भी हमारे डिविजन से रिलेटेड जितने भी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, उनको हम इजिली असेस्ड कर सकते हैं। असेस्ड मीन्स कि उनमें जजमेंट कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है। मीन्स कि हम मेटल प्रोडक्ट और प्लास्टिक प्रोडक्ट के बीच में प्रॉफिट और लॉस को अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं, कि हमें किस प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, किस प्रोडक्ट में हमें ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ रहा है, किसकी प्रोडक्शन हमें बंद कर देनी चाहिए या किसकी कंटिन्यू करनी चाहिए। तो जो भी डिविजन रिजल्ट्स रहेंगे उनको हम इजीली असेस्ट कर सकते हैं, उनको हम इजीली कंपेयर और जज कर सकते हैं। सपोज दैट कि मेटल प्रोडक्ट से हमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है और प्लास्टिक प्रोडक्ट की हमारी सेल नहीं हो रही है, ठीक है, उसमें लॉस हो रहा है, तो हम प्लास्टिक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को बंद कर सकते हैं और मेटल की प्रोडक्शन को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डिविजन रिजल्ट को इजिली असेस्ट किया जा सकता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, कि जो भी डिविजनल हेड्स रहता है वो पूरे ही डिविजन का हेड होता है, ठीक है, एक सिंगल पर्सन ही सभी एक्टिविटीज को देखता है, उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजन लेने हैं वो एक सिंगल पर्सन ने ही लेने हैं और उसको सिर्फ अपने डिविजन के लिए ही डिसीजन लेना है। प्लास्टिक से उसका कोई भी मैटर नहीं है, उसके साथ उसको कोई डिसीजन डिस्कशन नहीं करना है, उनके साथ कंसल्ट नहीं करना है। तो जब एक पर्सन को किसी दूसरे के साथ कंसल्ट किए बिना कोई डिसीजन लेना है, तो डेफिनेटली वो इस चीज को वो जल्दी करते हैं, कर देता है। तो जो भी डिसीजन लेना है वो क्विकली लिया जा सकता है। तो इसमें क्या है, किस चीज का बेनिफिट मिल रहा है हमें? क्विक डिसीजन मेकिंग का। फोर्थ वन इज इजी एक्सपेंशन, कि जो अगर हमने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, सपोज दैट कि अगर हमने हमारी एंटरप्राइज ऑलरेडी दो प्रोडक्ट बना रही है, अगर हमने इसमें तीसरे प्रोडक्ट को भी ऐड करना है, तो हम वो हम इजीली कर सकते हैं बिना इन दोनों प्रोडक्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट किए बिना। तो इसमें क्या होता है, हमारी एंटरप्राइज का इजी एक्सपेंशन हो जाता है,
कि अगर हमारी कंपनी तीसरा प्रोडक्ट लाना पड़ेगा लाना चाहती है तो वो इजीली ला सकती है। फर्स्ट फिफ्थ वन इज इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, कि इसमें अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना बहुत इजी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना बहुत इजी होता है। क्यों? हमें पता चल जाएगा कि अगर मेटल प्रोडक्ट की सेल कम हो रही है तो हम उनके हेड से पूछ सकते हैं कि इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न है। अगर प्लास्टिक प्रोडक्ट की सेल कम हो रही है तो हम उनके हेड से पूछ सकते हैं कि किस रीज़न से सेल्स कम हो रही है, कहाँ पे कमी है। तो इसे जो भी इनके हेड रहेंगे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना बहुत ही ईजी होता है। तो ये सारे थे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस, इसमें जो भी डिविजनल हेड रहेगा उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जो भी डिविजन हमारे रिजल्ट रहेंगे उनको हम इजिली असेस कर सकते हैं, उनको इजिली जजमेंट कर सकते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, एक ही पर्सन ने डिसीजन लेने हैं तो वो जल्दी अप्लाई कर सकता है। इजी एक्सपेंशन, कि अगर हमने तीसरा प्रोडक्ट ऐड करना है तो हम उसको बिना डिस्टर्बेंस क्रिएट किए ऐड कर सकते हैं। इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, कि जो भी हेड रहेगा उसकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना बहुत इजी है, हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे सेल कम हो रही है तो हम उनसे रीजन पूछ सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस आप देखते हैं कि इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिविजनल हेड्स, जो भी डिविजनल हेड्स रहते हैं उनके बीच में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं किस चीज को लेके। वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, एक हेड सोचता है कि उसे ज्यादा रिसोर्सेज मिले, दूसरा सोचता है कि मुझे ज्यादा रिसोर्सेज मिले, तो इस चीज को लेकर उन दोनों में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। अगर प्लास्टिक प्रोडक्ट वाला हेड कहता है कि मुझे प्लास्टिक के प्रोडक्शन के लिए नई मशीन और नई टेक्नोलॉजी चाहिए, तो साथ में मेटल वाला भी कहेगा कि मुझे भी नई टेक्नोलॉजी और नई मशीन चाहिए, तो इस चीज को लेकर उन दोनों में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। सेकेंड वन इज डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शंस, कि जो भी हमारे फंक्शंस हैं उनको हम रिपीट करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली कौन सा वर्क किसको देना है, ठीक है। क्योंकि एक ही डिवीजन में सारे काम चल रहे हैं, सारी एक्टिविटी चल रही है, हम सारा काम किस चीज़ को दे देते हैं, मेटल डिवीजन को, ठीक है। जो भी हमारी मेटल प्रोडक्ट बनाने वाली डिवीजन रहेगी हम काम उनको दे देते हैं और आगे हमें पता ही नहीं होता कि वो काम कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, तो कई बार काम जो है वो रिपीट हो जाता है जिससे हमारे रिसोर्सेज मिसयूज हो जाते हैं और कॉस्ट ज़्यादा आती है। थर्ड वन इज सेल्फिश एटीट्यूड, कि जो भी इनके हेड्स रहते हैं उनमें क्या एटीट्यूड आ जाता है, सेल्फिशनेस क्रिएट हो जाती है उनमें, सेल्फिश हो जाते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरे प्रोडक्ट से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, दूसरे डिवीजन से उनका कोई भी लिंक नहीं है, तो वो एक दूसरे के सोचे बिना, एक दूसरे के डिवीजन के बारे में कुछ भी सोचे बिना सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं, अपने लिए रिसोर्सेज लेते हैं, ठीक है। अपने प्रोडक्ट की सेल हो, उनके प्रोडक्शन अच्छी हो, चाहे कॉस्ट जो भी आए, दूसरे पे उसका क्या असर पड़ता है क्या नहीं पड़ता, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसमें डिवीजन हेड्स का एटीट्यूड कैसा हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है, सिर्फ वो अपने बारे में ही सोचते हैं। तो ये सारी इसकी लिमिटेशंस, की डिविजनल हेड्स के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, ठीक है, डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं, उन्हें अपने लिए ही रिसोर्सेज चाहिए, काम जो है वो रिपीट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन सा काम कौन कर रहे हैं। सेल्फिश एटीट्यूड, कि उनमें सेल्फिशनेस क्रिएट हो जाता है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये दो डिवीजन बन जाते हैं, अलग अलग डिवीजन बन जाती हैं, ना प्लास्टिक का मेटल से कोई लेना देना है, ना मेटल के हेड्स को प्लास्टिक डिवीजन के हेड से कोई लेना देना है, उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है, अपने लिए सोचना, चाहे उसे दूसरे पर कुछ भी असर क्यों ना पड़े। तो ये सारे थे इसके लिमिटेशंस। तो यही था हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें हमने दो चीज़ों को स्टडी किया है, फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल में क्या था, हम जॉब के अकॉर्डिंग, ठीक है, सभी एक्टिविटीज को डिवाइड करते थे, और इसमें हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जब हमारी कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है तो हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही डिविजन्स बनाते हैं, डिविजन्स जो है वो डिसाइड करते हैं, डिविजन बनाते हैं, डिपार्टमेंट डिसाइड कर देते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।